तो गाइस पतंगों की शॉपिंग करने के बाद हम लोग फाइनली आ चुके हैं मांझे लेने के लिए। इतने ज्यादा मांझे देखने के बाद हम तो हो गए थे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कौन सी ले और कौन सी ना ले। वहाँ पर भैया ने बोर्ड भी लगाया था कि पतंगबाजी सिर्फ देसी मांझे से करे, और वहाँ पर सही में बहुत छोटे उचके भी मिले। फिर हमें एक मांझा दिखा जिसमें बहुत ज्यादा कलर एक ही मांझे में थे, एंड हमें फिर फाइनली रेड पांडा दिख गया जो हमारे यहाँ का सबसे फेमस गट्टू है। भैया ने हमें गुजरात का स्पेशल योद्धा मांझा भी दिख। फुल काइट शॉपिंग ब्लॉग के लिंक इज पिंड इन कमेंट्स। आज के लिए इतना ही बोल।